लोन लोन लेने में तो बहुत ही दिलचस्पी रहती है सभी की, पर जब हम लोन ले लेते हैं उसके बाद उसकी किस्त भरने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। अगर मान लो कभी कदार एक दो किस्त हमसे छूट भी जाती है तो लोन वालों के फोन बार बार हमारे पास आते रहते हैं और उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा लगता रहता है। तो दोस्तों लोन से आपने जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अगर आप कोई घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, कोई गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं, तो घर बनाने में थोड़ा डिले कर दो, इससे अच्छा आप किराए के घर में रह लो दोस्तों। या फिर गाड़ी लेने की सोच लिए, लोन पे ले लेंगे तो उस गाड़ी को थोड़ा डिले कर लो, थोड़े दिनों बाद ले लेना। पर लोन से जितना बचा रहे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एक बार आप लोन ले लेते हैं उसके बाद उसमें फंस जाते हैं दोस्तों। उसकी ईएमआई जैसे ऐसा लगता है महीना भी 4 दिनों का हो गया, क्योंकि हर महीने ऐसा लगता है किस्त आने लग जाती है। तो दोस्तों पहली बोलो, जो लोन लेते हैं तो सोच समझ के लोन लिया करो दोस्तों। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए दोस्तों। ये जो कंपनी है पेंट की कंपनी है, पेंट निर्माण करती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। जो दोस्तों ये पेंट बनाती है जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, जो दोस्तों इसका इनको अपने टॉप लाइन से 80 से 85% की डेकोरेट ही हासिल, मतलब इसको ना जो इसका डेकोरेट मतलब घर में जो सजावटी के लिए पेंट किया जाता है उसी से उसको 80 से 85% की इनकम जनरेट होती है। जो दोस्तों इसके हम क्लाइंट देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है, जैसे टाटा मोटर हो गया, अशोक लैंड हो गया, और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हीरो मोटर कवर्स, और रॉयल फील्ड और फोर्स मोटर्स इसके क्लाइंट है दोस्तों। क्लाइंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसकी। जिसकी हम भारत में स्थिति देखें, भारत के अंदर दूसरे नंबर की पेंट की कंपनी है, एशिया के अंदर देखें दोस्तों चौथे नंबर की एशिया की पेंट की कंपनी है, और जो दुनिया भर में देखें 7वें नंबर की डेराकोटी पेंट की कंपनी है, 7वें नंबर डेराकोटी पेंट बनाती है जो ये। दोस्तों देखो जो कंपनी है, नेटवर्क देखें, जो कंपनी का पूरे भारत में कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है। जो देखिए हम 50,000 डीलर और रिटेलर है कंपनी के पास, और 180 स्टॉक पॉइंट है कंपनी के पास। दोस्तों देखो यहाँ पर स्टॉक पॉइंट भी अच्छे और डीलर भी अच्छे हैं कंपनी के पास। जो अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति देखिए कंपनी का, रूस, नेपाल प्लस बांग्लादेश, यूरोप और अन्य देशों में कंपनी का काम करती है। 8 देशों में कंपनी अपना बिजनेस अच्छी तरह से काम करती है। जो दोस्तों इनकम देखिए यहां से, जो कंपनी को यहां से इनकम 8% की इनकम जनरेट होती है कंपनी विदेशों से। जो हम कंपनी के प्लांट देखे, देखो दोस्तों 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां से कंपनी अपने पूरे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहां पर कंपनी के पास अच्छे प्लांट है। जो दोस्तों विस्तार देखे, प्लांट देखे तो कंपनी के पास एक यूपी में प्लांट लगा रही है, जहां पर कंपनी 1900 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, जहां से 745 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, जो 2023 में शुरू होने की उम्मीद है दोस्तों। जो हम देखें इसका जिंजूरी में सेंटर होगी, यहां पर कंपनी ने जो जिंजूरी में इसका प्लांट है वहां पर 1500 मैट्रिक टन को दुगना करेगी, जो अपना इसका मटेरियल बनता है वहां पर 1500 मीटर और ज्यादा बनाएगी कंपनी दोस्तों। यहां पर देखो प्रोडक्शन भी अच्छी बढ़ा रही है, प्लांट भी नया नया लगा रही है। जो दोस्तों ये तो कंपनी का बिजनेस हो गया। उसके बाद हम जो इसका मार्केट कैप्चर, 58,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप्चर है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। जो स्टॉक पे देखे हम 64.9, जो बुक वैल्यू है 42, जो हम डिविडेंड देखे कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, 0.52 का डिविडेंड दे रही है। जो आरओसी है 25.9, जो आरओई है 22.9। जो हम इसकी फेस वैल्यू देखें एक दोस्तों, जो हम सेल एंड ग्रोथ एक कंपनी 10 साल में 12%, 5 साल में 14% और 3 साल में 13% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 10 साल में 16%, 5 साल में 14% और 3 साल में 19% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो कंपनी का हम सीजीआर देखें, 10 साल में 24%, 5 साल में 18% और 3 साल में 8% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। जो कंपनी देखो दोस्तों सीजीआर भी ठीक बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट और सेल ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है कंपनी की। जो हम कंपनी के पास पैसा देखे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनी के पास अच्छा पैसा है, 4,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, पैसा है, अच्छा पैसा है। और जो कर्ज है कंपनी के पास 1634 करोड़ कंपनी के पास कर्ज है। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है। जो एफएल की होल्डिंग 11.11,
जो डीएल की होल्डिंग है 2.90 और जो पब्लिक होल्डिंग है 10.98 की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। दोस्तों देखो प्रमोटरों ने अच्छी होल्डिंग हो रही है प्रमोटरों की। जो हम इसका शेयर प्राइस देखें 597 का शेयर प्राइस चला है, जो इसने 5 साल का रिटर्न दिया है दोस्तों 119, जो 1 साल का रिटर्न दिया -18%, जो मैक्सिमम मैक्स देखें इसका मैक्सिमम रिटर्न देखें हम 34,000 का इसको मैक्सिमम रिटर्न दिया दोस्तों। दोस्तों जो देखें स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, अगर कल को एशियन पेंट बन गया ये तो आप सोचते रह जाओगे। अगर अभी स्टॉक तो बहुत नीचे भी आया हुआ है दोस्तों, पर वो ये 1 साल से गिरावट चल रही है स्टॉक में, पर आप ज्यादा नहीं थोड़ा सा पैसा भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे 5-6 साल के लिए तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों 2 से 3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों। देखो इंडिया के अंदर भी दूसरे नंबर की कंपनी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारे एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दिया करो और वीडियो को शेयर और कमेंट में जरूर डाल दिया करो।